शहीद 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 कोई सरकार जो है सुनवाई नहीं करता है। हम पैसे का क्या करेंगे, हमारी लाइफ नरक बन गई। भारत सरकार इसका निर्णय वह लेगी, हम तो लेंगे नहीं। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। शहीद 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 कोई सरकार जो है सुनवाई नहीं करता है। उनकी जो है हमको यही मालूम हुआ कि पूछा पूछपाछ किया तो कहें बॉडी उसका नहीं मिल रहा है। बस आज अभी तक कोई यहाँ पर 24 घंटा का टाइम बीत गया, कोई देख रेख वाला रेख करे वाला नहीं आया पाए। वही का सहारा था, वही के सहारे से हम लोग जो है खर्चा वर्चा चलता था। बहुत तत्काल कोई खर्चे हमारा खर्चा चलेगा। कह सकते हमारी दुनिया खत्म होगी, हम क्या कहेंगे पाकिस्तान को, हम किसी को कुछ नहीं कहना है, हमारी दुनिया खत्म होगी। चार दिन पूछेंगे उसके बाद कोई पूछता नहीं। कोई मांग नहीं हमारी, पहले भी इतना हुआ, क्या किया सरकार ने किसी के लिए, पहले भी तबले हुए हैं, चार दिन बोलते उसके बाद क्या करती सरकार। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई सरकार से पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम पैसे का क्या करेंगे, हमारी लाइफ नरक बन गई। हम पैसे को क्या करना है, आए वो भी जीते हैं जो आधी आधी खाते हैं, हम पैसे का कुछ नहीं करना। संडे को आए थे, फिर छह दिन का जी आए थे, फिर चले गए, तो उनकी बर्फ गिर रही, रास्ता बंद है, तो हमने की छुट्टी आ जाओ। फिर संडे को गए यहाँ से, कहीं सोमवार की वापसी है, हमने की जाओ अप्रैल में छुट्टी आई है, मकान बनवा ले। इन बहुत दिन हो गए, रात हमने कही हम इन अच्छा नहीं लग रहा, माइक में रह बहुत से कब गए थे वो छुट्टी से आकर के, क्या आप लोगों को कैसे पता चला? रात रविवार को गए हैं, शाम को 10 को गए हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं हम लोगों से वार्ता करते हुए गए हैं, पहुँचे हैं तो वहाँ से फिर कहें कि हम बाबूजी फिर जाएंगे, जब अपनी ड्यूटी पर खड़े होंगे तब फिर बात आपसे करेंगे। दोबारा हम लोगों से वार्ता नहीं हो पाया उनसे। उसका निर्णय तो सरकार लेगी, प्रधानमंत्री लेंगे, गृह मंत्री लेंगे, यह लोग लेंगे, हम लोग तो लेंगे नहीं।
आगे गाड़ी में था, पीछे गाड़ी में था, ये हमारे दिल में ऐसा हो रहा था कि अब बहुत कई बार फोन मिला रहे थे जो लोग साथ थे उनसे बात कर रहे थे, कहीं कोई ट्रेस बात नहीं हो चल रहा था। तो ये जब ऐसी घटना हुई तो हरणजीत आए तो बताया तो सब घर में बिल्कुल सब कोई खाना वाना नहीं खाया और सब रोने पीटने लगे और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हमारा बेटा आप सामने से हमसे छीना जा रहा हो। देखिए सरकार से तो कई तरीके की उम्मीदें आदमी रखता है लेकिन सरकार की भी खुद की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करें। इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं कोई पहली बार तो हुई नहीं, हमेशा से होती आ रही हैं लेकिन कोई भी ठोस कदम इसके लिए नहीं उठाया गया। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੀਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ, ਬੜਾ ਯੋਗੇ ਸੀ, ਆਈ ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੇ।